इसी बीच जम्मू से बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू से ये बड़ी खबर इस समय की, जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने मंगलवार को 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। तीसरी सूची में दूसरे चरण में मतदान वाली 10 और तीसरे चरण में मतदान वाली 19 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। बीजेपी ने तीसरी सूची में एक बदलाव किया है, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी सीट से रोहित दुबे की जगह बलदेव राज शर्मा को मैदान में उतारा गया। ये भाजपा के पुराने नेता हैं और बाकी प्रत्याशियों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं हुआ। तीसरी लिस्ट में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम आप जानिए, नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा, इसके साथ ही हबागदल से अशोक भट्ट, गुलाबगढ़ से मोहम्मद अकरम चौधरी, रियासी से कुलदीप राज दुबे, श्रीमाता वैष्णो देवी से बलदेव राज शर्मा, कलकूट से सुंदरबनी से ठाकुर रणधीर सिंह, भूधल से चौधरी जुल्फिकार अली, थना मंडी से मोहम्मद इकबाल मलिक, सुरनकोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी, पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी को टिकट दिया गया। वहीं मेंढर से मुर्तजा खान, उधमपुर पश्चिम से पवन गुप्ता, रामनगर से सुनील भारद्वाज, बनी से जीवन लाल, बिलावर से सतीश शर्मा, जसरोटा से राजीव जसरोटिया, जम्मू पूर्व से युद्धवीर सेठी, जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता, जम्मू उत्तर से श्यामलाल शर्मा, अखनूर से मोहनलाल भगत, छम से राजीव शर्मा को मैदान में बीजेपी ने उतारा। और इससे पहले भाजपा ने सोमवार को पहले चरण के चुनाव के लिए अपनी पहली सूची में 15 और दूसरी सूची में एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की थी। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के 16 विधानसभा क्षेत्रों और जम्मू क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 18 सितंबर को मतदान होगा। भाजपा जम्मू कश्मीर को लेकर के अपनी तीनों सूचियों को मिलाकर के अब तक 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं 10 साल बाद घाटी में हो रहे चुनाव, घाटी में राजनीति के हालात बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बंपर वोटिंग ने यह साबित किया था। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अलगाववादी नेता अब्दुल रशीद शेख की जीत का भी योगदान है। दरअसल आम चुनाव में अब्दुल रशीद बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लून जैसे बड़े नेताओं को हराया। खास बात यहां यह है कि इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर अब्दुल रशीद ने ये जीत जेल में रहते हुए हासिल की। अब जम्मू कश्मीर चुनाव में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई एजाज गुरु भी किस्मत आजमाएगा। माना जा रहा है कि वो किसी दल से उतरने की बजाय निर्दलीय ही मैदान में उतरेगा। और इसके अलावा सर्जन बरकती, सैयार अहमद समेत कई ऐसे अलगाववादी नेता हैं जो चुनाव में उतर सकते हैं, जो अब तक वोटिंग का बहिष्कार करने की बात करते थे। इस चुनाव में तीन नेताओं के बारे में अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सर्जन बरकती, घाटी में आजादी चाचा के नाम से मशहूर सर्जन बरकती इस समय जेल में है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद भड़काने के आरोप में जेल में बंद है। सर्जन बरकती के शोपिया से चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। सर्जन की बेटी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल करेगी। दूसरा नाम एजाज गुरु का। एजाज गुरु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु का भाई है एजाज अहमद गुरु। इसके साथ ही एजाज अहमद गुरु विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। अफजल को 2001 में हुए हमले के दो दिन बाद गिरफ्तार किया गया। दोषी पाए जाने पर अफजल को फांसी की सजा दी गई थी और अब एजाज ने विधानसभा चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। तीसरा नाम है इसमें सैयार अहमद का। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्य सैयार अहमद रेशी कुलगाम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। संगठन को अलगाववाद को हवा देने वाला बताया जाता है। अब माना जा रहा है कि अभी इस संगठन के और भी नेता सामने आ सकते हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव है। पूर्ववर्ती प्रदेश की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव के पहले चरण के तहत 18 सितंबर, दूसरे चरण के तहत 25 सितंबर और तीसरे और आखिरी चरण के तहत 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। दूसरे और तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया क्रमशः 29 अगस्त, 5 सितंबर से शुरू हो जाएगी।